मैं तो खैरात में जिंदगी नहीं लेना चाहता, मैं इंसाफ या रिहाई कैसे तसव्वुर कर सकता हूँ। आप ये एक दिन का रिमांड चाहते हैं, इनको 14 दिन का दें, इनको ताहयात मेरा रिमांड दे दें, मगर मैं ये कहता रहूंगा मुझे इनके रहमो करम पे छोड़ दें, मगर मैं ये जरूर बार बार जब भी आऊंगा ये बात जरूर करूंगा कि मैं अब नाम लूंगा जो पाकिस्तानियों को गद्दार बनाते हैं, मैं उनका नाम लूंगा। कल कहा था और जो एजेंसियां मेरे से इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, और ये मैं पढ़ रहा हूँ, जो इन्वेस्टिगेशन जो इंचार्ज है, जो उन्होंने यहाँ कहा कि मैंने कोई इंकशाफ किया है कि मेरे किन किन से रहते हैं। अब आप ये देखें कि मैं ऑन ओथ ये कह रहा हूं, इन्होंने मुझे ये एक बात कही कि आपको इंसाफ खैरात में मिल सकता है, आपको रिहाई मिल सकती है। मैं तो खैरात में जय साहब मैं तो खैरात में जिंदगी नहीं लेना चाहता, मैं इंसाफ या रिहाई कैसे तसव्वुर कर सकता हूं। मैं तो इस पाकिस्तान के लिए मर सकता हूं, मगर इनके हाथों से अपनी रिहाई नहीं चाहता। आप ये एक दिन का रिमांड चाहते हैं, इनको 14 दिन का दें, इनको ताहयात मेरा रिमांड दे दें, मगर मैं ये कहता रहूंगा कि पाकिस्तान के अदारों में बैठे लोग जो हैं, अगर वो गलतियां करते हैं, और ये बार बार मुझे ये कहते हैं कि हो बेगुनाह, मगर ऊपर से प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर है। जो एजेंसी मेरे साथ तफ्तीश मेरी करने आती है या मुझे लेकर जाते हैं तो एक ही बात करते हैं, पहले जो शुरू करते हैं वो करते हैं, और उसके बाद ये कहते हैं कि बात तो आप ठीक कर रहे हो, कर तो हम जुल्म रहे हैं, मगर पोस्टिंग का सवाल है। ये अपनी पोस्टिंग बचाएं, नौकरियां तो इनकी सेफ हैं, मगर अपनी पोस्टिंग सेफ करें, मुझे इनके रहमो करम पे छोड़ दें, मगर मैं ये जरूर बार बार जब भी आऊंगा ये बात जरूर करूंगा कि मैं अब नाम लूंगा जिनका प्रेशर है इन पे, मैं वो नाम लूंगा जिनकी वजह से FIR ये करते हैं, मैं उनका नाम लूंगा जो पाकिस्तानियों को गद्दार बनाते हैं, मैं उनका नाम लूंगा जिन्होंने, हां पाकिस्तान के अंदर बहुत से शोबे हैं। मक्का तेरा शोनिया जी, मक्का तेरा